हेलो दोस्तों, फिर से एक बार पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन में, टोटल मैं 1000 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। पार्ट वन और पार्ट टू आप देख लीजिए, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चंस हो चुका है। इसमें 20 या 25 क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जहाँ तक हो सके मैं समझाऊँगा ऑब्जेक्टिव को, अगर समझाने लायक हुआ तो, नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ करता ही जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि वल्ल किसकी क्रिया से बने हैं? तो ग्रोथ रिंग जो होता है, ये ग्रोथ रिंग किसके किसके क्रिया से बने होते हैं? वो होते हैं आपका कैम्बियम, कैम्बियम से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराग क्या है? जो पराग है वो क्या है? तो पराग क्या है दोस्तों, वो देखना है। सबसे पहला ऑप्शन है नर युग्मों को युग्म कोद्भिद, मादा युग्म कोद्भिद, नर बीजाणुद्भिद, मादा बीजाणुभिद। जो पराग होते हैं दोस्तों वो होते हैं नर युग्म कोद्भिद, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्रायः होता है। ऑप्शन ए अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या ऑल। तो अवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष कैसा होता है आपका? होता है द्विगुणित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बीज किससे बनता है दोस्तों? भ्रूण से, भ्रूण कोष से, अंडाशय से या बीजांड से? तो बीज किससे बनता है दोस्तों? बीजांड से बीज बनता है। और अंडाशय से क्या बनता है दोस्तों, ये देख लीजिए कहाँ गया। अंडाशय से क्या बनता है दोस्तों? फल बनता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन, इससे बीज बनता है, इससे फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5, सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? सुपारी का खाने योग्य भाग जो है वो बीजावरण है, भ्रूण कोष है, अंतःफल भित्ति है या मध्यफल भित्ति है? तो सुपारी का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है भ्रूण कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा फल नट है? मूंगफली, सुपारी, अखरोट या काजू? तो कौन सा फल नट है दोस्तों, वो क्या है? काजू है। क्या है? ये नट है। नेक्स्ट नारियल का कौन सा खाने योग्य भाग है? तो भ्रूण कोष, भ्रूण पोष, मध्यफल भित्ति, अंतःफल भित्ति या बहाय? तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवृत बीजी पौधों के बीजों में होता है, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? केवल बीजपत्र, केवल भ्रूण पोष, ए एंड बी दोनों या सुप्त एम्ब्रियो? तो आवृत बीजी पौधे में क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो। और थोड़ा सा जान लीजिए, जो तना का विकास होता है वो किसके कारण होता है? पल्म्यूल के कारण। और जो उसका रूट का विकास होता है, रूट मतलब जड़, जो रूट का विकास होता है वो किसके कारण? तो रेडिकल। तना का विकास पल्म्यूल और रूट का विकास रेडिकल। और आवृत बीजी पौधे में क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो। नेक्स्ट मक्का का दाना है बीज, वास्तविक फल, भ्रूण या अवास्तविक फल? तो मक्का का दाना क्या है दोस्तों? क्या है? एक वास्तविक फल है। जिस फल का विकास ओवेरी में होता है उसे सतत फल या वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, आम, जामुन, केला। वास्तविक फल कौन है? आम, जामुन और केला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक फल। नेक्स्ट सच्चा फल होता है, सच्चा फल क्या होता है? विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित एवं विकसित अंडाशय, निषेचित एवं विकसित बीजांड। तो इनमें से क्या होता है? जो सच्चा फल होता है वो क्या होता है? निषेचित एवं विकसित अंडाशय के द्वारा ही जो होता है।